अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड पर फाइल कैसे बनाते हैं। ये डेस्कटॉप पे आपको एमएस वर्ड नज़र आ रहा है, डबल क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। आपने न्यू पे जाना है, न्यू के बाद ब्लैक डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। पहले इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है, लेआउट पर जाके नॉर्मल मार्जिन रखना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है जैसा आप करना चाहते हैं, साइज़ आपने स्टैंडर्ड साइज़ A4 रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, होम पे जाना है, कोई भी चीज़ आपने इधर राइट अप करनी है। ये देखिए ऑलरेडी मैंने ये राइट अप किया हुआ था, इधर मैंने पेस्ट कर दिया है। ये देखें फर्स्ट इधर से, ये देखें ये मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब ये देखिए पहले कट का ऑप्शन रेडी नहीं था, अब ये रेडी हो गया है। जितना आप हिस्सा कट करना चाहें आप उसको कट कर सकते हैं। ये देखें कट हो गया, मैंने कंट्रोल Z किया, दोबारा आ गया है, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल C करेंगे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पे जाएंगे, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ये देखें दोबारा आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ये देखें ये हमारा राइट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे, ये देखें हमारे पास उसका फ़ॉन्ट्स है, जो भी फ़ॉन्ट उसको देना चाहें। उसके बाद इसका साइज़ है, ठीक है। अब जो भी जितना भी पार्ट सेलेक्ट करेंगे उसको जो भी साइज़ देना चाहें आप उसको साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। देखें ये चेंज हो गया साइज़, ये देखें उसका स्टाइल चेंज हो गया है, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। उसके बाद ये देखें इसका साइज़ भी चेंज हो गया, जितना आप मर्जी देना चाहें वो हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद आप इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड हो जाएगा, उसके बाद इटैलिक करना चाहें स्टाइल करना चाहें वो भी हो जाएगा। उसके बाद ये देखें अंडरलाइन का, जितना आप सेलेक्ट करेंगे अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा, बोल्ड पर करेंगे बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सारे के ऊपर अगर लाइन लगाना चाहते हैं, ये देखें लाइन कट हो गया है, ठीक है। अब ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, हाँ, साइज़ इधर से भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ये देखें। अगर उधर से ना करें तो ये देखें, ये देखें आपके सामने हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कैपिटल में आ जाएं, ये ठीक है, या सारे छोटे हो जाएं, इधर जाना है आपने चेंज केस पे, जो भी आप मर्जी चाहे लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अपर केस, ये देखिए सारे कैपिटल हो गए, ठीक है। आगे हमारे पास है कलर, जो भी कलर इसको देना चाहें, ये देखें कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट्स, ये देखें। उसके बाद ये है, ये देखें ये चेंज हो गया। उसके बाद आपने जाना है, ये देखें कोई चीज़ आपने ना इधर राइट अप की है, ये देखें ये वाली बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना आपने लिखी है, ये देखें मैं आपको इधर बता देता हूँ, ये देखें आपने लिखा है H2O, वाटर का फार्मूला आपने लिखा है। इसको सेलेक्ट करना है, इसका साइज़ इधर से बढ़ा देना है, ये देखें साइज़ बढ़ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला 2 नीचे चला जाए तो आपने इधर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर इधर नहीं करना चाहते आप इधर जाएं, आप इधर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें, ओके करें, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया वाटर केस। अगर आप क्लोरीन को देखना चाहते हैं, ये देखें, ये देखें, इसका पहले आप साइज़ बड़ा करें, इसलिए कर रहा हूँ साइज़ बड़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमने क्लोरीन लिखा, ठीक है। अब क्लोरीन का इसका 2 जो है वो भी नीचे होता है, ठीक है। अब इसको ये भी, ये देखें, ये देखें ये नीचे चला गया, ठीक है। ये अब देखें इधर, अगर हमारे पास होता माइनस का सिंबल वो होता है, ये देखें हमने लिखा क्लोरीन माइनस, ठीक है। अब इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करें जिसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये देखें ऊपर चला गया, ये देखें नीचे आ गया, ये देखें, ये देखें, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये हो गया, ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है फाइल पे, ठीक है, आपने क्लिक करना है सेव पे। अगर इसको आप दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, इधर जहाँ भी आप सेव करना चाहें उधर सेव आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, ये देखें डेस्कटॉप पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे इधर आप अपना रीनेम भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री लिखा हुआ था मैं इधर, ये तारीख लिख देता हूँ, ठीक है। इधर आप सेव करेंगे तो आपकी फाइल ये सेव हो जाएगी, ठीक है। इधर आपने फिर जाना है क्लोज़ के ऊपर, आपकी फाइल सेव होगी। अब देखते हैं, ठीक है, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जैसे ही जाएंगे तो हमारी वो फाइल जो होगी ना हमारे डेस्कटॉप पे शो हो जाएगी। ये देखिए हमारी फाइल हमारे पास शो